हाँ जी, कहाँ से आए हैं आप? गुजरात। क्या परेशानी है आप? आरपी। आरपी किसने बताया आपको आरपी है? आज आप देख रहे हैं, ये आपका फील्ड ऑफ विजन है जी, जो काफी सुकड़ गया है, करीब करीब 2.5 इंच के दायरे में आज ये आ गया है जी सर। ये आपकी जो पेरिफेरल विजन कम हो गई है, उसके कारण आपको क्या परेशानी होती है? जी सर, मुझे नाइट में चलने में प्रॉब्लम थोड़ी हो रही थी, और बाइक चलाने में और सीढ़ियों से उतरने चढ़ने से और थिएटर में प्रॉब्लम हो रही थी, ये सब प्रॉब्लम मेरे को हो रही थी सर। सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, बाइक चलाना, कोई यार दोस्त आपको हेलो हाय करता था, आप कर लेते थे? जो वो सर हाथ मिला था तो मेरे को पता नहीं चलता था, लेकिन उसका पहचान तो सकता था सर कि ये है, चेहरा पहचान लेते थे, लेकिन हाँ। वो आपके साथ में हाथ मिलाना हाथ चाहता है, कुछ देना चाहता है, तो मेरे को पता नहीं चलता सर। आपको पता नहीं चलता वो कुछ दे रहा है आपको? आपके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हुई इसके कारण? नहीं सर, ऐसी दुर्घटना तो नहीं हुई सर, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं चल भी सकता था और बाइक भी चला सकता था, इतना कॉन्फिडेंस था मेरे को। अच्छा, पर आपको डर लगता है? हाँ, कि साइड से क्या टकरा ना जाऊ सर। हाँ, साइड से कोई अचानक आ जाए तो मैं घबरा जाता हूँ सर, साइड से आने पे घबरा जाते हैं। हाँ। आपने डॉक्टर ऋषभ जैन के वीडियो नेट पे देखे? उससे आपको मालूम पड़ा कि आपकी ये बीमारी है जी, क्योंकि आपकी परेशानियां और उन इन लोगों की परेशानियां एक ही थी जो आपको हो रही है। हाँ। आप अपने प्रति जागरूक होने के कारण बहुत अच्छी बात है कि आप अब जागरूक हैं अपनी बीमारी के प्रति, और आपने उसको खोजा कि मैं क्या है, मुझे क्यों मैं परेशान हूँ, दूसरे लोग परेशान नहीं है तो मैं क्यों परेशान हूँ। बहुत अच्छी बात है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, और अपने आप के प्रति कॉन्शियस आप रहते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप अपना इलाज कराने नेट के भरोसे बीमारी का डायग्नोसिस करके आप यहाँ आए हैं। बहुत बहुत बधाई। साइड से दिखना कब से कम हो गया आपको? 3 साल से सर। और चश्मे का नंबर कब से आया है? पहले से, 10 साल पहले से। 10 साल से चश्मे का नंबर है, यानी दूर का दिखना कम हुआ था, अब साइड से दिखना कम हुआ जी। आपने कहाँ कहाँ दिखाया? सर मैंने नड़िया दिखाया, और कदम हॉस्पिटल में दिखाया, और रेटिना स्पेशलिस्ट वहाँ पे दिखाया, और डॉक्टर सुजीत देसाई, मतलब आपने सारा गुजरात में जो रिनाउंड डॉक्टर है आपके आसपास उनको दिखाया जी। तो क्या कहा उनने? उन्होंने यही कहा, ये असाध बीमारी है, वारासाई बीमारी है, कुदरती बीमारी है, इससे हम ठीक नहीं कर सकते। किसी डॉक्टर साहब ने, किसी ने भी हॉस्पिटल में आपको ये नहीं बताया कि आपको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा नाम की बीमारी है जी, नहीं है ना बताया। ये नहीं बताया। हम प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा आपको फर्क आए। देखिए आज आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, देखिए क्या दिख रहा है आपको। HCUCHLENETPARALO अब नहीं दिखाई रहा सर। ये लाइन भी आपको धुंधली दिखाई पड़ रही है जी। आंख से देखिए LAF, इस आंख में आपको चौथी लाइन सही आ रही है, ये वाली में आपको पांचवी लाइन सही आ रही थी, सीधी आंख में 5 लाइन, ये आंख में चौथी लाइन आपकी सही, हटा लीजिए। हाँ, रंगीन प्लेट लिखी हुई है, इसमें काले अक्षर आए, बता सकते हो क्या लिखा है? नहीं सर, ग्रीन और रेड सर कलर मेरे को मालूम होता है, लेकिन ब्लैक है कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो नहीं मालूम पड़ता सर, वो मालूम नहीं पड़ रहा है जी सर। ठीक जी, देखिए आपको ये लिखाई दिख रहा है, ये पढ़ के बताइए। टाइप 4 ड्रन एंड 5293875463962 4293852938754। वो तो जो मनुष्य सदा सत्य बोलो किसी की, वो आकर मत बोलो किसी का बुरा मत सोचो, उसके दबाव में आकर झूठ मत बोलो किसी का बुरा मत सोचो, तो ज्यादा हो वो अमीर है, और जिसका खर्च उसको आमदनी से ज्यादा हो या गरीब है। तो इसमें भी आपकी यही स्थिति है, हिंदी भी आप पढ़ पा रहे हैं, पूरी लाइनें नहीं पढ़ पाते हैं जी सर। ठीक, देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा ये उज्जैन नगर है। शहर के प्रमुख मार्केट तुम्ही बाजार में उज्जैन नेत्र चिकित्सालय है।